आज हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रेज के अंग्रेजी में फ्रेज से क्या मुराद है। तो बहुत से लोग यानी फ्रेज और सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं, आज हम ये क्लियर करते हैं। देखिए, ये कहता है कि फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाजों का ऐसा ग्रुप विच गिव्स यू सम मीनिंग, जो आपको कुछ मनी देता है, बट नॉट ए कम्प्लीट मीनिंग और सेंस, लेकिन मुकम्मल मफहूम या मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, इस कॉल्ड फ्रेज, इसको कहते हैं फ्रेज। यानी अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कुछ मनी तो देता हो, अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कुछ मनी तो देता हो लेकिन मुकम्मल मनी या मफहूम नहीं देता। मुकम्मल जो कम्प्लीट मीनिंग है, जो परफेक्ट मीनिंग है, जिस पर हम फैसला नहीं कर सकते, वो नहीं देता। तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं फ्रेज। यानी हम फैसला नहीं कर सकते कि फिक्रे में क्या है, फिक्रे में क्या हो रहा है, क्या काम किया जाता है फिक्रे में, तो ऐसे अल्फाजों का ग्रुप इसको कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर है आर्ली Early in the morning, तो अब क्या है, ये एक फ्रेज है, early in the morning, सुबह सवेरे। अब early in the morning क्या हो रहा है, कोई भी ये नहीं जान सकता कि early in the morning लोग एक्सरसाइज करते हैं, early in the morning लोग नाश्ता खाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग लोग तिलावत करते हैं, या अर्ली इन द मॉर्निंग लोग क्या एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ये नहीं जान सकता। तो ऐसे ग्रुप, ये ग्रुप है, एक दो तीन चार, ये चार अल्फाज है, यानी ये एक ग्रुप है, ये कुछ मीनिंग्स तो देता है। यानी इसका क्या मतलब है, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे कुछ तो मीनिंग देता है, जो कुछ मनी तो देता है लेकिन मुकम्मल मनी ये नहीं देता। सुबह सवेरे क्या हो रहा है, कोई भी यानी इस पर फैसला नहीं कर सकता, कोई भी यानी इसको नहीं जान सकता कि सुबह सवेरे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर है हमारे पास एट नाइट, रात के वक़्त या रात में, रात के वक़्त या रात में। अब रात के वक़्त क्या है, लोग सो रहे हैं, रात के वक़्त यानी लोग सो रहे हैं, लोग सबक पढ़ रहे हैं, लोग क्या करते हैं या क्या करेंगे, अब कोई भी ये नहीं जान सकता। यानी रात के वक़्त या रात में, रात के वक़्त या रात में, इस तरह। इसके साथ साथ यानी इन माई पॉकेट, मेरे जेब में, ये ग्रुप है, मेरे जेब में, इसका ये मतलब है मेरे जेब में। अब ये कुछ तो मीनिंग देता है, मेरे जेब में कुछ तो मीनिंग देता है, कुछ मनी तो देता है लेकिन मेरे जेब में क्या है, यानी इस पर हम फैसला नहीं कर सकते। मेरे जेब में मोबाइल है, मेरे जेब में पैसे है, मेरे जेब में क्या है, मेरे जेब में पेन है वगैरह, कोई भी ये नहीं जान सकता। तो ऐसे अल्फाजों को यानी इन द क्लास में, कमरे में, ऑन द ग्राउंड, एट होम, घर पर, यानी घर पर किया, वो घर पर है, वो घर पर नहीं है, घर पर क्या है, घर पर आग यानी लग गया है, क्या है वगैरह। इन द क्लास यानी क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में स्टूडेंट है,
क्लास में स्टूडेंट नहीं है, क्लास में क्या है यानी शोर है वगैरह, क्लास में टीचर है नहीं है वगैरह, तो ऐसे अल्फाजों का ग्रुप जो कुछ तो मीनिंग्स देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। कंप्लीट मीनिंग से क्या मुराद है कि हम फैसला नहीं कर सकते कि सेंटेंस में किया है, किया हो रहा है या किया जाता है, किया किया जाता है सेंटेंस में, हम यानी डिसीजन नहीं कर सकते। तो ऐसे अल्फाजों को कहते हैं, ऐसे ग्रुप को कहते हैं फ्रेज। अब देखें फ्रेज जब हम, अब जब हम इसको सेंटेंस में यानी इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये कंप्लीट मीनिंग देता है विद सेंटेंस। अब ये सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देता है। देखें यहाँ पर हमने कुछ फिक्रे बनाए हैं। देखें अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये अर्ली इन द मॉर्निंग है, आई रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान मजीद का तिलावत करता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। अब ये कंप्लीट मीनिंग देता है अगर हम इसको दूसरे सेंटेंस के साथ यानी रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे सेंटेंस के साथ हम मिलाते हैं। इस तरह ऑफन द डॉग्स बार्क एट नाइट, अब ये एट नाइट जब हम इसको यानी सेंटेंस के साथ मिलाते हैं, लिंक करते हैं, तो ये मीनिंग कंप्लीट देता है। ऑफन अक्सर जो कुत्ते हैं वो रात के वक़्त बोंगते हैं, ऑफन द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात के वक़्त बोंगते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, इससे हम यानी कंप्लीट मीनिंग यानी ले सकते हैं। आई फाउंड ए डेड बर्ड, मैंने पा लिया, मुझे मिल गया एक डेड बर्ड, एक मुर्दा परिंदा, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ये अब ये ऑन द फ्लोर क्या है, ये एक फ्रेज है। अब अगर हम ये जो सेंटेंस है ये हम यानी नहीं लगाते इस तरह, तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये एट नाइट और ये ऑन द फ्लोर, इससे हम कंप्लीट मीनिंग हासिल नहीं कर सकते। जब हम सेंटेंस के साथ ये लगाते हैं तो हम कंप्लीट मीनिंग हासिल कर सकते हैं। अब फ्रेज फिर इसको हाईलाइट करते हैं, अल्फाजों का ऐसा ग्रुप जो कुछ मीनिंग्स तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इस पर हम फैसला नहीं कर सकते, तो इस ग्रुप को कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जांपल अर्ली इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन माय पॉकेट, इन द क्लास या एट होम वगैरह, इस तरह के और भी अल्फाज हैं, इसको कहते हैं फ्रेज।